नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट ऑफ योर क्लास ऑफन स्टील्स, एक बच्चा चोरी करता है बार बार, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए? आप टीचर हो, गिव हिम एग्जाम्पली पनिशमेंट. अब जब पनिशमेंट आ गया, आपको एंट्रेंस टेस्ट में नेगेटिव वर्ड को पहले खत्म करना है. ये नहीं है कि पनिशमेंट कभी नहीं दी जा सकती, बहुत कम समय आइडली जो आपने जवाब देना है. तो अगर किसी ने पनिशमेंट देनी भी है, पहले रीइंफोर्समेंट, रिवार्ड, प्यार उसको देके. और पनिशमेंट कब दी जाए? जब बिहेवियर नेगेटिव होता है उसकी इंटेंसिटी के मुताबिक दी जाए, बड़ी केयरफुली दी जाए, और उसके बाद फॉलोअप भी किया जाए. तो ऐसे रूल पनिशमेंट के होते हैं. लेकिन यहां आप 99% रिवार्ड को, पॉजिटिविटी को, रीइंफोर्समेंट को ही याद रखना है कि उसको नेगेटिविटी पर फोकस नहीं करना, पनिशमेंट पर फोकस नहीं करना, पॉजिटिविटी पर करना है. नेक्स्ट है कि उसे थ्रेट स्टूडेंट दैट ही विल एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल, कि उसको धमकी दी जाएगी कि स्कूल से बाहर निकाल दोगे. फिर फियर आ गया, फियर नहीं देना, फियर भी गलत हो गया, पनिशमेंट भी फियर है, दोनों फियर हो गए, दोनों पनिशमेंट होगी. ट्राई टू नो द रीजन, अब ये बात आई, ये बात बनी है, दिस इज बेस्ट. क्या जानोगे ना वो चोरी क्यों करता है? कोई हो सकता है उसकी जरूरत हो सकता है कि गरीबी हो सकता है कि एक डिसऑर्डर होता है स्टील करने का वो हो. तो कारण जब तक जानते नहीं है, क्योंकि आपका काम है बच्चे को मॉडिफाई करना, बच्चे आपके पास बने बनाए नहीं आते, आपने उनको बनाना है बेटर, ठीक है. तो जो अगर नेगेटिव कोई चीज देखते हो, पहले काम उसको उसका डायग्नोज करना है, उसको जानना है. तो दिस इज द बेस्ट, यहाँ साफ दिखाई देता है. ट्राई टू नो द रीजन बिहाइंड दिस काइंड ऑफ बिहेवियर एंड टेक द रिमीडियल स्टेप कि उसको सुधारने के लिए. अकॉर्डिंग टू रीजन जब पता चलता है तो मेडिसिन दी जाती है, तो मेडिसिन अकॉर्डिंगली देनी. तो ये बेस्ट आंसर है, राइट आंसर वैसे यही है, हैंड ओवर द स्टूडेंट टू पुलिस. तो ये भी पनिशमेंट, फियर है पनिशमेंट है, तो वो उसको अवॉइड किया जाता है. हमने ऐसे रिस्पॉन्स अवॉइड करने हैं जो फियर और पनिशमेंट हो पर फोकस करते हो. ओएचपी एक विजुअल एड होती है, ओवरहेड प्रोजेक्टर. ये रहा ओवरहेड प्रोजेक्टर, इसकी इमेज दिखा देता हूं मैं. ओवरहेड प्रोजेक्टर वैसे आजकल इसका यूज कम हो गया है, क्योंकि इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल ने सभी को पीछे छोड़ दिया है. ये जो पैनल मैं यूज कर रहा हूँ, तो ये एक ऐसा अपरेटस होता है, ये इसके नीचे बल्ब होता है, यहाँ लाइट पड़ती है, लाइट यहाँ पड़ के यहाँ से यहाँ पर ये बोर्ड पर प्रोजेक्ट हो रही है. टीचर यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी रखता है, ट्रांसपेरेंसी पर आपका हैंड रिटन भी हो सकता है, कुछ आप प्रिंट भी कर सकते हो. तो वो जो प्रिंट इमेज है, मान लीजिए बुक की प्रिंट इमेज है, जहां आपने ड्रा किया है, कोई डायग्राम है, यहाँ रखते हो, तो वो यहाँ पर प्रोजेक्ट होता है. इधर लर्नर बैठे हैं तो यहाँ पर वो डिस्कस किया जाता है, दिखा के. नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रीट हिज कोलीग्स, जो उनके साथ काम कर रहे हैं टीचर के, दूसरे टीचर और जो टीचिंग नॉन टीचिंग के भी हैं, उनके साथ कैसे ट्रीट, व्यवहार कैसे करना चाहिए? तो विद ड्यू कर्टसी एंड रिस्पेक्ट. अगर आपको लगता है कि आपको इंग्लिश में वो शब्द क्लियर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कर्टसी, तो आप अपनी पंजाबी जाए हिंदी में जाकर, यहाँ शिष्टाचार है, शिष्टाचार, शिष्टाचार और रिस्पेक्ट. हाँ, ये ठीक लग रहा है, सबसे लंबी ऑप्शन भी बन रही है. ये हर बार ठीक नहीं होना, लेकिन इसको आप प्रेफर कर सकते हैं अगर रीजनिंग कमजोर है. विद नफरत करनी चाहिए, बिल्कुल गलत, फियर नफरत किसी के लिए नहीं है. ये पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ लव आ गया, अफेक्शन आ गया, तो ये इंटेंसिटी जो है बढ़ा दी गई है अफेक्टिव डोमेन की, इमोशंस की. और टीचर प्यार करने के लिए आपस में नहीं बने हुए, प्यार पोर्शन जो है रिस्पेक्ट है, जो फर्स्ट स्टेप प्यार का होता है, रिस्पेक्ट होता है. तो ये बेटर आंसर बन रहा है. विद टेंशन एंड बैक बाइटिंग, ये तो कभी नहीं है, साफ है. ये दो ऑप्शन आपको कंफ्यूज करेंगी, लेकिन आपने इस पर ज्यादा जाना है, शिष्टाचार. और क्योंकि सोशल ये सोशल लव है एक तरह से, इसको कह सकते हैं. लेकिन लव यहाँ पर शब्द जो है थोड़ा सा टीचर टीचर के जो नॉर्मल रिलेशन है उसको डिविएट कर रहा है, दैट इज वाई इसको चूज किया जाएगा. नेक्स्ट है पीटीए, स्टैंड फॉर पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन. बड़ा सिंपल है, मेरे ख्याल में सभी को पता भी होगा. इसका राइट आंसर है पेरेंट टीचर एसोसिएशन, सॉरी पेरेंट टीचर एसोसिएशन. ओके,
नेक्स्ट है इवेल्युएशन शुड बी सबमिटिव फॉर्मेटिव बोथ सबमिटिव एंड फॉर्मेटिव. देखिए लंबा स्कोर किसका बन गया, सिंपली वैसे कह रहा हूं. तो फिर जो पेपर डालने वाला है उसको ये रूल नहीं पता कि वायलेट कर रहा है, आप उसका फायदा उठा रहे हो, लंबी स्टेटमेंट उठा रहे हो. वैसे सबमिटिव और फॉर्मेटिव क्या होती है इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ. देखिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इवेल्युएशन या असेसमेंट को तीन भागों में बांटा गया है. एक जो है प्री असेसमेंट जो टीच करने से पहले, दूसरी टीचिंग के दौरान, तीसरी टीचिंग के बाद. जो टीचिंग से पहले होती है उस असेसमेंट को कहा जाता है डायग्नोस्टिक असेसमेंट. डायग्नोस्टिक असेसमेंट में बच्चे में क्या वीकनेसेस है, उसकी कमजोरियां क्या है, वो पीछे क्यों रह रहा है, उसको कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई फिजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, उसकी सेंस ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके इमोशंस में प्रॉब्लम नहीं है, कहां प्रॉब्लम है, उसको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है. साथ साथ में उसके पॉजिटिव भी आप देख सकते हो, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, मीन वीकनेस एंड स्ट्रेंथ देखी जाती है डायग्नोज असेसमेंट में. और इसके बाद हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट के बाद उस वीकनेस को सुधारा जाता है किसी खास प्लानिंग के जरिए, खास टीचिंग के जरिए. उसके लिए मेडिकल ऑफिसर भी आपको जरूरत पड़ सकती है, आपको साइकोलॉजिस्ट की, साइकेट्रिस्ट की, साइकोथेरेपिस्ट की, लैंग्वेज के एक्सपर्ट की, किसी की भी जरूरत पड़ सकती है. तो वो प्रोग्राम आप बनाते हो 5 वर्ष या लंबा समय, वो रेमेडियल टीचिंग या रेमेडियल प्रोग्राम उसको बोलते हैं. तो दूसरे है ड्यूरिंग टीचिंग. जब ड्यूरिंग टीचिंग या ड्यूरिंग सेशन जब चल रहा है उस असेसमेंट को कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट. क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग जो असेसमेंट की जाती है, बच्चा जो गलतियां कर रहा है, अब कर रहा है, आप मैथ्स का सम करा रहे हो और बच्चा गलतियां कर रहा है, आपने कहा बेटा यहां पर देखिए, यहां पर ये आना था, यहां पर ये आना था, बच्चा ठीक कर रहा है. यहां फॉर्मेटिव असेसमेंट में इम्प्रूवमेंट पर फोकस किया जाता है, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपनी परफॉर्मेंस को बेटर कर सके. लेकिन आफ्टर द जो सेशन खत्म हो गया या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस खत्म हो गई, उसके बाद एक टोटल जितना कंटेंट पढ़ाया गया था उस कंटेंट के बेस पर एक एग्जाम या टेस्ट लिया जाता है, तो वो टेस्ट फाइनल टेस्ट होता है, दैट इज नोन एज सबमेटिव. सारा कुछ सम कर दिया, जोड़ दिया. जो है सबमेटिव असेसमेंट है या ये इम्प्रूवमेंट के लिए नहीं है, ये सर्टिफिकेशन के लिए आपको सर्टिफाई किया जाता है. और इसके बाद इम्प्रूवमेंट के चांस लगभग ना मात्र होते हैं. आप री इवेल्युएशन, रीचेकिंग ये फिल कर सकते हो, लेकिन आपकी ये फाइनल असेसमेंट होती है, ये रिजिड होती है, ये थ्रेटनिंग होती है, लेकिन ये फ्लेक्सिबल होती है. यहाँ पर चांस टू इम्प्रूवमेंट फॉर्मेटिव में होते हैं. तो तीन तरह की असेसमेंट है, ये किसी भी तरह से ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है. वापस चलते हैं क्वेश्चन पर. इवेल्युएशन ठीक है, बोथ दोनों तरह की होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑडियो. देखिए फोकस क्या है, आपने अंडरलाइन कर लेना है. ऑडियो और विजुअल सुनी भी जा सकती है और देखी भी जा सकती है. अब क्या रेडियो देखा जा सकता है? नहीं, सिर्फ ऑडियो हो गई. टेप रिकॉर्डर सिर्फ ऑडियो हो गई. अच्छा स्लाइड प्रोजेक्टर सिर्फ विजुअल हो गया, है ना. तो कंप्यूटर इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है ए चाइल्ड लर्न हिज फर्स्ट लेसन फ्रॉम. सिंपल आंसर है, घर से, माता पिता से, जो केयर टेकर है. तो स्कूल से नहीं, सोसाइटी से नहीं, ये बाद में है. आते हैं, लर्न करते हैं, बाद में करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है एट मोस्ट ड्रॉबैक ऑफ क्रैमिंग इज दैट. जो हम क्रैम करते हैं, रट्टा लगाते हैं, रट्टा लगाओ जी, सबसे बड़ा नुकसान किया. आप दूसरी भाषा में साथ साथ में पढ़ सकते हो, आपको क्लैरिटी हो सकती है. अगर समझ आ गई है तो प्रोसीड कीजिए, आगे चलिए. अच्छा स्टूडेंट लर्न द अननेसेसरली थिंग्स. क्रैमिंग करते करते वो चीजें याद कर लेते हैं वो जरूरी नहीं है. ये डाउटफुल है, ऐसा जरूरी नहीं है. इट इम्पीड्स द ओरिजिनल थिंकिंग. जो मौलिक सोच को रोकता है, देखना याद रखना, जहां भी सोच डेवलप हो रही है, क्वेश्चनिंग आ रही है, वो बेटर आंसर होगा. वहां पर एजुकेशन या लर्निंग के, सॉरी, स्कूल के एम अचीव हो रहे हैं. तो ये अभी तक का बेस्ट बन रहा है. स्टूडेंट्स कैनॉट स्कोर गुड मार्क्स अगर क्रैमिंग कर रहे हैं. नहीं, क्रैमिंग से तो ज्यादा ले रहे हैं. स्कोर से हमारे सिस्टम का ये नुकसान भी है, क्रैमिंग करके अच्छे मार्क्स ले जाते हैं, तो ये भी गलत हुआ, इसको रॉन्ग करेंगे. इट अफेक्ट्स द माइंड एडवर्सली.
ये माइंड पर बुरा प्रभाव डालता है? यस, डालता है। क्रैमिंग से आपके जो मेमोरी लोड बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ती है, टेंशन बढ़ती है। लेकिन ज्यादा जो नुकसान हो रहा है हमारी ओरिजिनल थिंकिंग को, जो लाइफ स्किल्स हैं, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, उनको ये रोक देता है। तो राइट आंसर होगा बी वाला। टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास ए टीचर शुड गिव फर्स्ट। क्या करना चाहिए एक टीचर को? जब भी डिसिप्लिन आपके सामने आता है, आपको लगता है डिसिप्लिन का मतलब क्या है? डिसिप्लिन का मतलब है कि जो फोकस्ड वर्क है वो किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल, आप क्लास में टीच करना चाहते हो तो बच्चे वो पढ़ नहीं रहे, आप कोई गेम खिला रहे हो तो बच्चे वो खेल नहीं रहे, ठीक है? तो इसका मतलब है कि किसी खास बिहेवियर को फॉलो करना और किसी खास बिहेवियर को फॉलो ना करना, ए टाइप ऑफ कंट्रोल ऑफ बिहेवियर इज नोन एज अ डिसिप्लिन। लेकिन बड़ी डेफिनेशन ये नहीं है। अच्छा, गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू स्टूडेंट्स। कैसे मेंटेन किया जाएगा? उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दो। ये अच्छी बात है वैसे, जब हम पर रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है तो नानी जी याद आ ही जाते हैं। जब एक बच्चा जब बाप बनता है तो उसको जो जब उसको पहले साल में उसको केयर रेयर करता है, पालना करता है, तो उसको अपना बाप याद आता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली तो लर्निंग होनी शुरू हो गई, तो वो उसको रास्ता पता लग गया कि यहाँ यहाँ ये करना है, वो डिसिप्लिन है। अच्छा, टेल अबाउट द पनिशमेंट। देखा, नेगेटिव आ गया, ये नहीं लेंगे। टेल देम टू फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट, जो रूल है उनको फॉलो करो भाई। ये कहने से सभी फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी तो आप बेटर फॉलो करोगे। गिव कॉर्पोरल पनिशमेंट, फिर आ गया यहाँ पनिशमेंट, ये वीक ऑप्शन है तो इनको डिलीट कर दिया। राइट आंसर हमारे लिए क्या है? एक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट, ये याद रखना है, यहाँ 86 का है। इसके बाद वो मैं दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोहिबिट्स All types of child labor up to 14 year of the age of child. देखिए 14 साल तक की एजुकेशन का है, यहाँ भी 14 साल तक उसको लेबर नहीं करनी। इट मीन्स लेबर ना करके बच्चा स्कूल में जाए, इसका पर्पज साफ दिखाई देता है। ये अच्छा आंसर लग रहा है अभी तक का। दूसरा, प्रोहिबिट चाइल्ड लेबर इन रिस्क टेकिंग वर्क ओनली, मतलब रिस्क टेकिंग, अगर रिस्क नॉन रिस्क टेकिंग में काम कर रहा है तो भी तो वो स्कूल जाने में प्रॉब्लम आएगी। दैट इज वाई ये बेटर आंसर बन रहा है। प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर ड्यूरिंग स्कूल आवर, बाकी में वो रिस्क या दूसरे काम करे, उसकी हेल्थ और उसकी डेवलपमेंट पर असर पड़ेगा, इसलिए हो ही नहीं सकता कि उनको स्कूल आवर में काम नहीं करना, बाद में करना है, ये नहीं ठीक। प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर बाय द इम्पोजिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रंस एजुकेशन ऑन एम्प्लॉइज, के जो मालिक है वो उसकी जो एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, चाइल्ड लेबर है वो कम हो जाए या रुक जाए। तो ये भी राइट आंसर नहीं है। बेसिक है कि बच्चे डेवलप हों, डेवलपमेंट के लिए उनको उसकी उनकी हेल्थ के लिए, जैसे पीछे बात करते हैं ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए, उनको खेलने के लिए, उनको फ्रीडम के लिए, उनको एजुकेशन के लिए, स्कूल के लिए प्रेरित करना है, लेके जाना है। इन चेंजेस को अच्छी तरह से देख लें। ये आर्टिकल 24 में है जो दर्ज हुआ, द कॉन्स्टिट्यूशन लेवल नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर शैल बी एम्प्लॉयड टू द वर्क इन एनी फैक्ट्री माइंस और एंगेज इन एनी अदर हैजर्ड्स एम्प्लॉयमेंट। इट मीन्स यहाँ पर रिस्क की बात की गई है, रिस्क में नहीं शामिल किया जाएगा, उसको काम नहीं दिया जाएगा। द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट वाज पास इन कब हुआ? 86 में। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, चिल्ड्रन बिलो एज 14 ईयर आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फ्रॉम बीइंग एम्प्लॉयड इन हैजर्ड्स ऑक्यूपेशन। देखिए वो ऑप्शन बड़ी सोच के डाली गई थी, लेकिन 2016 में अमेंडमेंट हुई, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। उस अमेंडमेंट में क्या हुआ कि इस एज के ऑल काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट से उनको मुक्ति दी गई, सिर्फ रिस्की से, पहले रिस्की से थी, अब ऑल काइंड ऑफ, दैट इज वाई इसके बेस पर जो है हमने वो राइट आंसर लगाया है। दूसरी बात है, उनकी एज जो है अडोलसेंट तक कर दी गई, अब वो चाइल्डहुड वो 14 साल तक नहीं रही, 18 साल तक कर दी गई। 14 से 18 साल कब हुई, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2016 में हुई, जब चाइल्ड लेबर जो एक्ट है उसमें अमेंडमेंट की गई।
अगर चाइल्ड लेबर का आप करते हो, अपराध करते हो, तो कितनी सजा होती है? 50,000 तक जुर्माना और 2 साल तक की कैद हो सकती है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए टीचर हु इज नॉट एबल टू ड्रा अटेंशन ऑफ हिज और हर स्टूडेंट शुड बी, एक अध्यापक है वो बच्चों का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाता अपनी टीचिंग की ओर, उसे क्या करना चाहिए, उसके उसके साथ क्या करना चाहिए ना? फर्स्ट इवेल्युएट हिज और हर टीचिंग मेथड एंड इम्प्रूव। यस, ये बहुत अच्छी बात है, ज्यादा टिक लगाऊंगा। रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट, नहीं, डिस्करेज क्यों करना है, सभी को इम्प्रूवमेंट का मौका मिलना चाहिए। फाइंड फॉल्ट इन हिज और हर स्टूडेंट्स, क्यों आप नाचना जाने आंगन टेढ़ा वाली बात होगी, अपने स्टूडेंट्स में नुक्स क्यों निकालना है, सभी इम्प्रूव कर सकते हैं। स्टार्ट डिक्टेटिंग, कि उसको डिक्टेट करवाना चाहिए। देखिए, डिक्टेटिंग जब लैंग्वेज डेवलप करनी है, कि बोल के आपने लिखना है, लैंग्वेज टीच कर रहे हो, तो डिक्टेशन अच्छी बात हो सकती है, कुछ पर्पज उसके अच्छे हो सकते हैं, लेकिन लर्निंग के लिए डिक्टेशन को अटेंशन के लिए डिक्टेट करवा रहे हो तो वो डिक्टेशन, लर्निंग के लिए इन्वॉल्वमेंट, मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेंसरी इन्वॉल्वमेंट और डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड जो है ये यूज किए जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है, ए टीचर जनरली आस्क क्वेश्चन टू हिज पीपल्स स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द लेक्चर। ठीक, वैसे स्कूल में लेक्चर नहीं होता, तो यहाँ पर लिखा गया है, मान लेते हैं, टू नो आर स्टूडेंट लिसनिंग द लेक्चर अटेंटिवली। ये ठीक है, लेकिन छोटा पर्पज है। आप ये चाहते हो कि बच्चे आपको सुने, या ये चाहते हो कि बच्चे जो आप कह रहे हो वो समझें? समझना ज्यादा जरूरी है। टू नो विच स्टूडेंट इज ब्रिलियंट वन, ये तो बात नहीं हुई, आप सभी के लिए काम कर रहे हो, इंक्लूसिव एजुकेशन है तो सभी के लिए आप टीच कर रहे हो, ये भी गलत हो गया, ये बहुत वीक हो गया, इसको क्रॉस कर रहे हैं। टू नो वेदर द स्टूडेंट आर अंडरस्टैंडिंग, ये बेस्ट है, इसको ठीक कर रहे हैं। टू हेल्प द स्टूडेंट, हेल्प कर रही है लेकिन वेग आंसर है। ये क्वेश्चन है, कुछ और क्वेश्चन मैं खुद बनाऊंगा, आपकी प्रैक्टिस टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में है, एंट्रेंस टेस्ट में है, उस पर